लगाया पर आखिरकार बिजनेस सौंप दिए, करोड़ रुपए की पूंजी दे दी। लेकिन जो मीठा होता है वो तो मीठा ही होता है, वो मिला। चलो पिक्चर चल रहे हो, 6 से 9, 9 से 12। अरे यार अब तुम नहीं मान रहे तो चलो, तो संघ में चले गए, 200 रुपए खर्च कर दिए उसने। तब पहली बार शंका होने लगी, अपने पापा बेवकूफ हैं, कितना प्यारा दोस्त है, 200 रुपए अपनी जेब से खर्च कर दिए। दूसरे दिन अपनी मोटरसाइकिल और कार में घुमा रहा, एक सप्ताह बाद कहा जा रहा 5000 रुपए पड़े क्या, यहां ला ले गया और एक घंटे के अंदर वापस, लो भैया मेरा काम हो गया, ये 5000 वापस। एक महीने बाद 10000 मांगे, 50000 मांगे, बढ़ती गई, 1 लाख मांगा, 10 लाख मांगा, टाइम पर लौटा दिया उसने। अब तो इसको लगने लगा कि हमारे पापा देखो कितना बढ़िया आदमी है, 2 साल हो गए और 10 लाख ले जाता है और टाइम से लौटा जाता है, कोई शिकायत नहीं। बढ़ते बढ़ते 50 लाख पर आ गई गाड़ी, अभी 50 लाख पर आ गई, अब भाई साहब कवरेज एरिया से बाहर, स्विच ऑफ, बात ही नहीं कर रहे। तो अब पहली बार दिल धड़का, कोई बात नहीं अभी भी लगता है मिलेगा तो बात करेंगे, मिले तो बात करी, तो भी पैसा नहीं आया। आखिरकार उसने कह दिया, ए बनिया पतली दाल, दम हो तो वसूल कर लो, आज के बाद टोकना मत। अब बेचारा बनिया तो कमजोर ही होता है लड़ाई झगड़े में, लंबी चौड़ी नहीं सुना, शॉर्ट कर लो। आखिरकार उसका परिणाम बेचारा पिताजी से घबरा गया, क्योंकि 1 रुपए में 5 तो 50 लाख में डर गया बेचारा पूरी तरह से, इतना डिप्रेशन का शिकार हो गया कि समझ में नहीं आ रहा पापा का सामना कैसे करूं। बढ़ते 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 उसको एक गंदा विचार आया कि अब मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, मैंने पापा की बात नहीं मानी, मैंने सब काम बिगाड़ दिया, सारा बिजनेस बिगाड़ कर दिया, मैं बहुत खराब हूं और चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। सॉल्ट में कहें तो गिल्टी कॉन्शियस होने लगा, यहां की भाषा में कहें तो अपनी गलतियों का पश्चाताप, खेद, निंदा, गरहा, यहां की भाषा में होने लगी। मरने के लिए जाने का विचार भी आया, लेकिन अंतिम समय में एक बहुत सुंदर विचार आया कि मेरे पापा की क्या गलती है, उन्होंने सोसाइटी, समाज दी, संपत्ति दी, संस्कार दिया, शरीर दिया, सब कुछ तो दिया, गलती तो मेरी है। आज मुझे अपने पिताजी, पूज्य पिताजी के चरण स्पर्श करना चाहिए, एक काम तो जिंदगी में अच्छा कर ही जाऊं मरते मरते। तो हिम्मत करके पहली बार पिता के पास आया, चरण छूने लगा। पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल आया, हो सकता है कहीं तीर्थ यात्रा वगैरह जा रहा हो। कहां बेटे, कहीं तीर्थ यात्रा जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो? अब हताश आदमी की आवाज में दम नहीं हो सकती, तो धीरे से ठंडी सांस लेते हुए बोला, पापा मैं जा रहा हूं। अब पापा जी घबरा गए, ऐसी ठंडी ठंडी आवाज में, अरे जा रहा है तो अच्छे से बोल, जा रहा हूं, ऐसे ठंडी ठंडी क्यों बोल रहा है, बोल बेटा कहां जा रहे हो? मत पूछो पापा। अरे बोलता क्यों नहीं, पहेलियां क्यों बुझा रहा है? मैं जानता हूं पापा आप सुन नहीं पाओगे, जल्दी ही आपको चिट्ठी मिल जाएगी। अब पापा घबरा गए, कुछ कुछ गड़बड़ है, क्या है, चेहरा उतर रहा है बिल्कुल, बात क्या है, कुछ गड़बड़ तो है। एकदम खड़े हुए, सही सही बता क्या बात है। पापा मुझे माफ कर दो। अरे बोल तो, अब ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, पिक्चर थोड़ी है जो लंबा लंबा करो। उसने आखिर वो बता दी बात कि पापा आज के बाद मैं शकल नहीं दिखाऊंगा, जा रहा हूं। पूरा केस मालूम पड़ा, सही बताना उन पिताजी की जगह आप हो तो क्या करोगे? आपसे पूछूंगा आप बताओगे नहीं, मैं पिक्चर बता देता हूं आगे की, सही लगे तो शांत बैठना, गलत लगे तो हाथ उठा देना, और क्या करूंगा। बेटा जान बची तो लाखों पाए, सुबह का भूला शाम को घर लौट आया तो भूला नहीं कहलाता। बेटा जो बात हम तुम्हें नहीं सिखा पाए तुम्हारी घटनाओं ने सिखा दी। बेटा पैसा तो हाथ का मेल है, अपन और कमा लेंगे, लेकिन तू आत्मघात मत कर, हमें बहुत खुशी है और गले लगा लेंगे और सारा काम कर देंगे।
मैं पूछ रहा हूं अपराध कितना बड़ा था, 10 लाख का, और 1 रुपए का कितना छोटा अपराध था। अज्ञानी बालक गिल्टी कॉन्शियस ना करके, सॉरी ना बोलकर 1 रुपए में इतना पिट गया, और अब 10 लाख रुपए का घाटा करके भी, 50 लाख का घाटा करके भी वो पिताजी का प्रेम पात्र बन गया, गले लगा लिया, उसके सारे अपराध छोटे हो गए। बस सेम घटना यहां पर है, अज्ञान अवस्था में किए गए सत्व व्यसन का पाप, और सम्यक दर्शन पाते से ही अंजन चोर भगवान बनने के लायक हो जाता है। रामचंद्र जी का युद्ध और सम्यक दर्शन के बल पर मोक्ष जाने में बाधक नहीं बनता है। कितने दृष्टांत दूं प्रतिमान योग के, आप देखो, आप मैं ऐसा कहकर ये कहना चाह रहा हूं, आर्ट ऑफ लिविंग समझ लो आप। आपने जिंदगी में, मेरे से बहुत लोग मिलते हैं, पंडित जी जब से शिविर नहीं लगा था, पहले हमने बहुत पाप करे, लड़की बाजी, ऐसा शराब सिगरेट, ऐसा वैसा, मैं जानता हूं कितने लोग तो मिलने की हिम्मत नहीं कर पाते, सुनकर के चुपचाप चले जाते हैं कि देखो कहां इतने पवित्र लोग और कहां मैं पापी। अज्ञान अवस्था में, बचपन में, युवा अवस्था में हमने बहुत पाप करे हैं पंडित जी। आप मेरे से मिलते कोई कोई हिम्मत करके तो कहते, पंडित जी आप सुन लोगे तो घृणा करोगे हमसे। मैं हमेशा गले लगा के कहता हूं, बेटा जैन शासन ने घृणा करना नहीं सिखाया, तुमने यदि अनंत परिस्थिति सेवन किया होगा तो भी मैं अनादिकाल के परिस्थिति सेवन में इनको और जोड़ दूंगा, और तुम जाग करके स्वाध्याय करोगे तो मैं शुभकामनाएं दूंगा कि तुम जल्दी मुनिराज बनके भगवान बनो। क्या है आप समझो तो, मैंने सत्यव्यसनी अंजन चोर का नाम लिया, कितनों के नाम गिनना है बोलो। महावीर का जीव सिंह की पर्याय में, बोलो विद्युत चर चोर, कितने गिनने हैं आप, प्रतिमानी उठा के देखो। काय का फल बता रहा हूं, समझ में आ रहा है, स्वाध्याय का फल। आहा, अब सोचो जरा, कोई हमें बुरा कर देता है, हमारे लाखों का घाटा हो जाता है, और स्वाध्याय के बल पर हमें ये चिंतन चलता है, स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अंजना ने एक बार भी सास को दोष नहीं दिया, पति को दोष नहीं दिया, स्त्रीलिंग छेद करके पुरुष पर्याय में चली गई, पर को दोष देने वाले 4 गति में भ्रमते हैं, और सारे विश्व को निर्दोष देखने वाले, अपने को ज्ञायक अनुभव करने वाले स्त्रीलिंग का छेद करके पुरुष पर्याय में जाकर के 2-4 भाव में मुनि बनकर मोक्ष चले जाते हैं। बोलो आपको क्या करना है, स्वाध्याय करना है या नहीं करना है? मैं क्या कहूं, दिल्ली में 10-20 तो शास्त्री होंगे कम से कम, 10-20, और बहुत सारी महिलाएं और पुरुष विदुषी हैं और विद्वान हैं। मैं तो मुझे जब आनंद आएगा इस शिविर का, जब अगली बार मैं आऊं तो लोग ये कहें कि हम 10 मंदिरों में बैठकर अब स्वाध्याय प्रारंभ कर दी है, अब हमने अपने 10 घरों में बैठकर स्वाध्याय प्रारंभ कर दी है, हमने 20 महिलाओं के ग्रुप बन गए हैं हमारे पूरे दिल्ली में, हम जगह जगह स्वाध्याय करते हैं। मैं सच कहता हूं, ये आप, मैं तो कम समय में बोल रहा हूं, मैं एक एक बात प्रूव कर सकता हूं कि स्वाध्याय करने वालों को कर्म बड़े बड़े हों में घटते हैं। आपको पढ़ना हो तो भाव दीपिका में पढ़ लेना, आपको पढ़ना है तो कर्णानियोग में पढ़ लेना, और अज्ञानियों का सुनो, अज्ञानी मंदिर में आया, पंडित जी घड़ी तो देखत नहीं है, बोले चले जा रहे, माइक मिल गया तो पकड़ के बैठ गए, अब घर जाएं कि नहीं जाएं, सोएं कि नहीं, कल ऑफिस जाना है, अब भी धर्म पत्नी भी बीचों बीच फंसी, पीछे होती तो बुलाई लेते, अभी आधा घंटा तक बढ़ रहा, सही बताए ना, पाप बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? मतलब पत्नी धर्म में जाती है, मंदिर पूजन पाठ में जाती है, स्वाध्याय में जाती है, बच्चा पाठशाला जाता है, और पति देव को धर्म की रुचि नहीं है, तो जब देखो जब बस धर्मात्मा बना दे, मंदिर चले जाओ, आलू नहीं बना सकती, बस हमारे घर का सत्यानाश कर दिया, अभी सारी जिंदगी क्लेश कर करके हाँ क्या करते होंगे, पाप घटाते होंगे और पुण्य, बोलो बोलो,
ये घर घर की प्रॉब्लम है कि आपको सम्यक ज्ञान हो जाए, स्वाध्याय हो जाए तो क्लेश खत्म हो जाता है, और क्लेश खत्म हो जाता है तो एक भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता और एक भी सुसाइड नहीं करता, और अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, न पत्नी को ज्ञान, न पति को ज्ञान, न बच्चों को ज्ञान, और चारों जने एक घर में चोराहे जैसे रहते हैं, चारों की चार दिशा, बच्चा लेट नाइट मूवी, पति पत्नी लेट नाइट मूवी, होटल और क्लबबाजी और फलाबाजी, चारों में नहीं बनती। और देख लो अखबारों में पढ़ करके ऐसे लोग सुसाइड करते फिरते हैं। कल परसों के अखबार में आया था, आजकल दांपत्य जीवन प्रेम के बल पर नहीं, पैकेज के बल पर है, पैसे के बल पर है, दो ही कमा रहे हैं इसलिए एडजस्ट करते हैं। चलो चलो कोई बात नहीं है, दूध देने वाली बकरी है, एडजस्ट कर लो, एडजस्ट। बोलो भैया, तत्व ज्ञान के सिवा, स्वाध्याय के सिवा कोई रास्ता नहीं है। देखो हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें इस बात का विकल्प आता है, मैं रात को रोज देखता हूँ, जहां मैं सोता हूँ ना अभी, जहां पे ठहरा हूँ, रोज बस वो लाइट ऑन कर दी, घट वो भरने के लिए पानी, और रात को 3 बजे उठकर देखा टंकी पानी का ओवर फिलो, रात भर ओवर फिलो, कितना पानी में जीव मरे होंगे, कितनी लाइट गई होगी, उन्हें कोई टेंशन नहीं। और मुझे मंदिरों में देख करके करुणा आती है, उस करुणा से मेरा पाप का अपकर्षण हो जाता है, कर कुछ नहीं पाता हूं मैं तीर्थ क्षेत्रों में देखता हूं पानी का दुरुपयोग तो मुझे ऐसा लगता है रे रे आनंद जीव राशि है, बस इतने में मेरा पुण्य का उत्कर्षण हो जाता है और पाप का अपकर्षण हो जाता है, और उन लोगों को होश ही नहीं रहती। इसलिए मैंने वो घंटी भी बनवाई तो गुरुदेव के नाम पर बनवाई, कि गुरुदेव की वाणी में जगाएगी कि भैया पानी मत ढोलो, पानी मत ढोलो, घंटी बंद करो, अपना मोटर बंद करो। मैंने हम लोगों को विचार भी आएगा तो ये आएगा, मेरा अभिप्राय का फल मुझे मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान के एक एक मंदिर में, एक एक धर्मशाला में यदि वो घंटी लग गई, अरबों खरबों लीटर पानी बच जाएगा, अनंत जीव राशि बच जाएगी, बिजली बच जाएगी, और इतने जीवों पर करुणा दान करने के फल में हमें अल्पकाल में मोक्ष हो जाएगा। बाहर में करुणा दिखाई देती है और अंतर में दिखाई देता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर सकता नहीं है। समय ज्यादा हो गया, अब यही विराम लेते हैं, अभी इसका